नमस्कार दोस्तों, आज आप सब सोच रहे होंगे कि आज चैनल पे जनरली वीडियोस बनते हैं जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड, बट आज ये व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो कैसे बनाए। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये एक पर्टिकुलर केस पे है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोस्तों। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि डेफिनेटली हम में से हर कोई किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जरूर होगा, तो ये वीडियो उन सब एडमिन्स को आज बेनिफिट देने वाला है, उन सब एडमिन्स के काम का है दोस्तों। हम सब में एक भ्रांति फैली हुई है, एक डर है हम सबको कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के कोई ग्रुप पे कोई ऑब्जेक्शनल कंटेंट आ रहा है, कोई गलत मैसेज आ रहा है, कोई रूमर आ रही है, उसकी जिम्मेदारी एडमिन की होती है। ये हम सब अब तक सोचते आ रहे थे, लेकिन दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट का सोचना कुछ और है दोस्तों। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। दोस्तों चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्या है ये केस लो दोस्तों, किसका है ये? ये है किशोर सन ऑफ चिंतामन टेरोन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में भी पर्टिकुलरली दोस्तों यही हुआ कि कुछ एक मेंबर्स थे, तो एक मेंबर ने किसी दूसरे मेंबर के अगेंस्ट फिल्दी बात लिख दी, कुछ ऑब्जेक्शनल कंटेंट डाल दिया, तो एफआईआर दर्ज हुई। मेंबर के अगेंस्ट तो हुई जिसने गलत लिखा, साथ में एडमिन जो था उसके अगेंस्ट भी हुई दोस्तों। उसके बाद ये केस पहुंचता है हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट दिया? हाई कोर्ट ने जजमेंट देने से पहले व्हाट्सएप के बारे में कुछ फीचर्स बताए, इन फीचर्स में ही ये जजमेंट भी आ गया दोस्तों। क्या फीचर्स उन्होंने बताए जो हम सब जानते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट चैट मैसेज सर्विसेज है, उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। जो बंदा ग्रुप बनाता है वो एडमिन होता है, उसके पास क्या पावर होता है, वो ऐड कर सकता है, किसी को डिलीट कर सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब ग्रुप मेंबर ऐड हो जाता है उसके बाद एडमिन और जो मेंबर है उसके सेम पावर होते हैं, सब लोग मैसेज भेज सकते हैं, बस एडमिन के पास एक्स्ट्रा क्या पावर रहता है, वो ग्रुप मेंबर को ऐड कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है, एक से ज्यादा भी ग्रुप एडमिन हो सकते हैं। अब आगे इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी जो इस पर्टिकुलर केस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये दो चार इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ इसमें ये देखने को मिलेगी कि जब भी कोई मेंबर ग्रुप पे मैसेज भेजता है वो डायरेक्टली आ जाता है उस मैसेज उस ग्रुप पे, मतलब कि मेंबर के मैसेज भेज जब जैसे वो मेंबर मैसेज भेजता है तो पहले वो मैसेज केवल एडमिन के पास नहीं जाता है, एडमिन के पास ये पावर नहीं होती है कि वो मैसेज पहले उसके पास आए और वो उसको चेक कर सके, उसको सेंसर कर सके और उसे लगता है कि मैसेज ग्रुप पे नहीं जाना चाहिए तो उसको रोक सके। ना भाई, जैसे को मेंबर मैसेज भेजेगा वो तो ग्रुप पे आएगा ही आएगा, मेंबर के पास ये राइट नहीं होता है। दूसरा, मेंबर एडमिन के पास ये राइट नहीं होता किसी मेंबर का मैसेज वो आने से पहले चेक कर सके। दूसरा, जब एडमिन किसी को ऐड करता है तो आप ये प्रज्यूम नहीं कर सकते, ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एडमिन को ये पता होना चाहिए कि वो बंदा क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा है, ये एडमिन को उस समय नहीं पता होता है। तो ये रीजन उन्होंने दिए, पहला रीजन कि क्रिमिनल एक्ट करेगा ऐड करने से पहले, ये उसको नहीं पता। दूसरा, वो उस मैसेज को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है ग्रुप एडमिन। तीसरा, उसके पास इतना राइट एक्स्ट्रा होता है वो किसी मेंबर को ग्रुप में ऐड कर सके या डिलीट कर सके। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक बार रीडिंग करा देता हूँ। वंस द ग्रुप इज क्रिएटेड द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड दैट ऑफ द मेंबर इज एट पार विद ईच अदर एक्सेप्ट द पावर ऑफ एडिंग और डिलीटिंग मेंबर टू द ग्रुप। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए व्हाट्सएप ग्रुप डज नॉट हैव पावर टू रेगुलेट मॉडरेट और सेंसर द कंटेंट बिफोर इट इज पोस्टेड ऑन द ग्रुप, बट इफ ए मेंबर ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप पोस्ट एनी कंटेंट विच इज एक्शनेबल अंडर लॉ, सच पर्सन कैन बी हेल्ड लाइबल अंडर रिलेवेंट प्रोविजन इन द लॉ। तो उन्होंने कहा कि कोई मेंबर कुछ ऐसा कर रहा है तो वो प्रोविजन ऑफ लॉ में लाइबल जरूर हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पेनल प्रोविजन क्रिएटिंग विकेरियस लाइबिलिटी, अब्सेंस है, कोई प्रोविजन नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द ऑब्जेक्शनल कंटेंट पोस्टेड बाई मेंबर ऑफ द ग्रुप। कि भैया कानून में कोई प्रावधान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर ने कुछ ऑब्जेक्शनल कंटेंट भेजा तो आप एडमिन को सजा दोगे। ए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट बी हेल्ड विकेरियसली लाइबल फॉर एन एक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द ग्रुप हु पोस्ट ऑब्जेक्शनल कंटेंट अनलेस इट इज शोन दैट देयर वाज अ कॉमन इंटेंशन और ए प्री अरेंज्ड प्लान एक्टिंग इन कंसर्न पर्सुएंट टू सच प्लान बाय सच मेंबर ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी कि ग्रुप एडमिन तब तक जिम्मेदार नहीं होगा जब तक ऐसा प्रूव न हो जाए कि भैया इन दोनों का कॉमन इंटेंशन था और प्री अरेंज्ड था वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्शनल कंटेंट। अगर प्री अरेंज नहीं है तो आप ग्रुप एडमिन को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। दूसरा, बात हुई कॉमन इंटेंट की कि ग्रुप एडमिन ने उस मेंबर को जोड़ा, वो ग्रुप एडमिन है उस ग्रुप का, ये कोई बेस ग्राउंड नहीं है कि आप ये मान लोगे कि कॉमन इंटेंट है। जी नहीं, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्री प्लान्ड भी था, प्री अरेंज था और कॉमन इंटेंट था। कॉमन इंटेंट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ये आगे लिखा हुआ है, कॉमन इंटेंशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन केस ऑफ व्हाट्सएप सर्विस यूजर मेनली एक्टिंग एज ए ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्होंने साफ बोल दिया है, वेयर ए पर्सन क्रिएट्स ए व्हाट्सएप ग्रुप ही कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू परज्यूम और टू हैव एडवांस नॉलेज ऑफ द क्रिमिनल एक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी इस पर्टिकुलर चीज में।
अब क्या हुआ था इसमें, मैं आपको यह भी पढ़ा देता हूँ। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कम टू बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एप्लीकेंट एंड अनदर विद द एक्यूजेशन दैट द एप्लीकेंट एक्यूज नंबर टू इज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप यहाँ देख सकते हो जो एक्यूजेशन फाइल करी गई, तो भैया जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था उसके अगेंस्ट भी फाइल हुई। दैट द एक्यूज नंबर वन, एक्यूज नंबर टू हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटर, एक्यूज नंबर वन हो गया वो बंदा जिसने फिल्दी लैंग्वेज लिखी, यूज द फिल्दी लैंग्वेज अगेंस्ट द नॉन एप्लीकेंट नंबर टू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप of which applicant is an administrator, that despite accused number 1 using filthy language against the non-applicant number 2, non-applicant number 2, the applicant had not taken any action against the accused number 1. So, उन्होंने ये कहा कि भैया administrator ने उस member के against कोई action ही नहीं लिया. It is alleged that the applicant being administrator had not removed or not deleted accused number 1. तो ये भी कहा गया कि उसने उसको delete भी नहीं किया from the WhatsApp group. It is further alleged that the applicant had not asked accused number 1 to submit apology to the non-applicant. तो उन्होंने काफी सारे इल्जाम लगाए कि भैया उसने ना तो उसको डिलीट किया, ना उसको मेंबर को बोला कि सॉरी वगैरह बोलो, अपोलाइजेस करो, ऐसे काफी सारे इल्जाम उस पर लगाए गए थे एडमिन पे भी। बट फाइनली जो डिसाइड हुआ वो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भैया अगर मेंबर ने, मेंबर का कोई एक्ट है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर नॉट लाइबल फॉर एन एक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो जो भी मेंबर है उनके लिए अपने आप में ये एक बहुत राहत भरा डिसीजन है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये केस लॉ यूज कर सकते हो और आगे फ्यूचर में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको कंट्रोल तो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि मेंबर ने मैसेज भेज दिया तो आप उसके लिए जिम्मेदार हो जाओगे। दोस्तों डेफिनेटली आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके ये काम का भी होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो फ्रूटफुल हो सकता है उन सभी एडमिन्स के लिए, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपके ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जो मेंबर, जो एडमिन है वो डरे बैठे हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो, और जो मेंबर है जो गलत मैसेज भेजते हैं जिनको लगता है कि ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो ऐसा उनका सोचना गलत है। इस कोर्ट, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में दोनों चीज़ों पर डिसीजन हुआ है कि एडमिन लाइबल नहीं होगा, लेकिन जो मेंबर है उसकी तो लाइबिलिटी डेफिनेटली होगी जिस तरीके का उसने कंटेंट भेजा है, जिस कानून में, जिस लॉ में लिखी हुई है वो बात कि इस पर्टिकुलर, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, उस पर्टिकुलर लॉ में उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है मेंबर के अगेंस्ट, बट एडमिन के अगेंस्ट नहीं होगी जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि इसमें कॉमन इंटरेस्ट था मेंबर और एडमिन का और ये प्री अरेंज्ड था। तो यहाँ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।